नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं देश खबर टाइप टी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। थाना क्षेत्र उसका बाजार के फतेहपुर वन माफियाओं का मामला प्रकाश में आया, जहां एक साथ 28 मोटे पतले शीशम के पेड़ की कटाई देखी गई, वहीं क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी नजरअंदाज करते देखे गए। इस संबंध में DFO सिद्धार्थ नगर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वन माफिया व क्षेत्रीय वन अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही, जहां एक तरफ ग्रीन यूपी क्लीन यूपी की सरकार दावे करती है, वहीं वन विभाग द्वारा इसे नजरअंदाज करते देखा जा रहा है। जहां बात करें तो उसका थाना क्षेत्र के फतेहपुर में शीशम पेड़ कटाई को लेकर DFO ने संबंधित अधिकारी व वन माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही। जैसे ही इसकी जानकारी हुई है, वहाँ के संबंधित सेक्शन अफसर और बीट प्रभारी वहाँ पहुँच गए हैं। उन लोगों द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार नदी के किनारे उनके शीशम के कुछ पेड़ उखड़ के गिरे हुए थे और बाकी ये बाढ़ पानी हटा सूख गया था, तो उन लोगों ने उसका भी जो है सूखे उखड़े की भी सूचना देकर के परमिट लेना चाहिए था, लेकिन उन लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो ग्रामीण वीर संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, तो अब उसके 4/10 जो नियमावली के तहत उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है। सर, खुलेआम वन माफिया जो है ट्रैक्टर टाली लगा करके आरा मशीन लगा कटवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनका मनोबल बढ़ नहीं रहा है? नहीं, मनोबल तो बढ़ने का तो ये एक दो घटनाएं ही केवल अभी प्रकाश में आई हैं, कोई इतना बड़े पैमाने पर अभी नहीं आया है। फिर भी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मनोबल उनका जो है गिरे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। संबंधित जो है जो समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं सेक्शन अफसर और बीट प्रभारियों को कड़े पत्र भी जारी किए जा रहे हैं कि यदि उनके यहाँ इसी तरह से आगे भविष्य में पुनरावृत्ति हुई तो उनको आरोप पत्र देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई। सर, बीट प्रभारी कर रहे हैं कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये हमें तो नहीं पता है कि बीट प्रभारी ऐसा कह रहे हैं, बीट प्रभारी का हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। बीट प्रभारी यदि ऐसा कहेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई तत्काल की जाएगी।